सोमनाथ ट्रस्ट में नियुक्ति ने लीने महत्वना समाचार मिली रहा है। ट्रस्ट में सेक्रेटरी तरीके अधिक कलेक्टर योगेन्द्र देसाई ने निमणूक। योगेन्द्र देसाई सीएमओ में फरज बजावता था। सोमनाथ मंदिर दर्शन बाद सेक्रेटरी नो चार्ज लेशे। पीके लहरी पास सेक्रेटरी तथा ट्रस्टी पद नो कार्यभार हतो। हवे पीके लहरी ट्रस्ट ना ट्रस्टी तरीके ज कार्यरत रहेशे। पीएम नी अध्यक्षता में मळेली बैठक में सेक्रेटरी पद नो महत्वनो निर्णय करवामां आव्यो छे। योगेन्द्र देसाई की निमणूक करवामां आवी छे। सोमनाथ ट्रस्ट में नियुक्ति ने लईने महत्वना समाचार। ट्रस्ट में सेक्रेटरी तरीके अधिक कलेक्टर योगेन्द्र देसाई की निमणूक करवामां आवी छे। योगेन्द्र देसाई सीएमओ में फरज बजावता हता। सोमनाथ मंदिर दर्शन बाद सेक्रेटरी नो चार्ज लेशे। पीके लहरी पास सेक्रेटरी तथा ट्रस्टी पद नो कार्यभार हतो। हवे पीके लहरी ट्रस्ट ना ट्रस्टी तरीके कार्यरत रहेशे। पीएम नी अध्यक्षता में मळेली बैठक में सेक्रेटरी पद नो निर्णय लेवायो हतो। एसोसिएट एडिटर धर्मेश वेदिया फोनलाइन पर जोड़ाई गया छे। धर्मेश जी, सोमनाथ ट्रस्ट में नियुक्ति ने लईने महत्वना समाचार। अधिक कलेक्टर ने योगेन्द्र देसाई से तेमनी ट्रस्ट में सेक्रेटरी तरीके निमणूक करवामां आवी छे। चोक्कस, सोमनाथ ट्रस्ट ना चेयरमैन तरीके पीएम नरेंद्र मोदी ना अध्यक्ष स्थाने ताजेतर में मळेली बैठक में सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर नो विकास सहित बाबते केटलाक निर्णय लेवा ए अंतर्गत सोमनाथ ट्रस्ट में सेक्रेटरी तरीके अधिक कलेक्टर योगेन्द्र देसाई की अत्यारे निमणूक थयाना अहेवाल मळे छे। योगेन्द्र देसाई सीएमओ में फरज बजावता हता अने थोड़ी ज वार में सोमनाथ मंदिर ना दर्शन करी सेक्रेटरी नो चार्ज लेशे। सोमनाथ ट्रस्ट में पीके लेरी पास सेक्रेटरी ने ट्रस्टी बंने ना कार्यभार था, पण हवे पीके लेरी मात्र ट्रस्टी तरीके ज कार्यरत रहेशे। અને યોગેન્દ્ર દેસાઈ મૂળ જૂનાગઢના છે અને મામલતદારથી થઈને અત્યારે અધિક કલેક્ટર સુધી તેઓ બટ્ટી મેળવી અને કાર્ય સીએમઓમાં ફરજ બજાવતા હતા એ હવે સોમનાથ ટ્રસ્ટના સેક્રેટરી બન્યા છે અને એ અંતર્ગત તેઓ અત્યારે જ થોડી વાર પછી સોમનાથ મંદિરમાં મહાદેવના દર્શન કરીને ચાર્જ લેશે. જી ભાવિકા. જી ધર્મેશજી, ધન્યવાદ જાણકારી બદલ.